सोनीपत में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले सचिवालय के सामने रोड शो किया। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आशा हुड्डा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल उनके साथ मौजूद थे। उनके बाद सब भारी तादाद में सचिवालय नामांकन करने पहुंचे। राजकुमार सैनी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, उनका कोई जनाधार नहीं है, वह सोनीपत से आए हैं, हमने खुद प्रेस वार्ता करके यह बयान जारी किया है। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, आने वाले 12 मई को जनता इनको सबक सिखा देगी। देख रहे पूरी 10 लोकसभा की अगर हम बात करें पार्टी का आप सबको मालूम संजीव पर राजकुमार सैनी और दिग्विजय यहाँ से राजकुमार सैनी आपके खिलाफ नामांकन कर राजकुमार सैनी भी यहाँ से पर्चा भर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और राजकुमार सैनी पर्चा भर रहे हैं यहाँ से। ठीक है। अरे ठीक है सर, ठीक है। हाँ रुक भाई, आई डी तो उठा लो यार, ऊपर उठा आई डी। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।